का कोई घर नहीं, उन सबके लिए आशियाना है अपना घर आश्रम। और कहा जाता है कि किसी असहाय की मदद करना ईश्वर की मदद करने के समान होता है, और ये अनुकंपा पाने का सीधा माध्यम है। इसी बात को सच किया नवल दारुका ने। नवल दारुका ने नोएडा सेक्टर 34 में स्थित अपना घर आश्रम में रह रहे प्रभु जनों के साथ स्वतंत्रता दिवस व अपना जन्मदिन मनाया। यहाँ रह रहे सभी न्यासी असहाय, आंशिक मानसिक विकृत, विकलांग और वृद्ध महिलाओं के बीच अपने परिवार के साथ पहुँचे नवल दारुका ने अपना जन्मदिन बहुत सहजता से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराकर की गई, जिसके बाद नवल दारुका ने सभी प्रभु जन के साथ मिलकर केक काटा और अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद यहाँ मौजूद सभी प्रभुजनों के विशेष भोजन की व्यवस्था उनके परिवार द्वारा की गई थी। नवल दारुका ने बताया कि अपना घर आश्रम से वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह आश्रम ऐसे लोगों को आश्रय देता है जिनको अपनों ने ही भुला दिया है या वह मानसिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे लोगों को अपना घर आश्रम ने बनाया अपनाया है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो ये अवसर नहीं छोड़ते और प्रभु जनों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस दौरान उनकी पत्नी कुसुम, बेटे एवं बहुएं अश्वनी, सलोनी, साकेत प्रिया, पोती अवनी, पोते विवान और अहान तथा अपना घर आश्रम से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपना घर आश्रम में आज सौभाग्य है हमारा कि आज इस अवसर पर हम प्रभु जी की सेवा कर पा रहे हैं। और मैं आश्रम में काफ़ी 15 वर्षों से जुटा हूँ। बवाना से अपना घर आश्रम वहाँ भी था पहले, और वहाँ भी हूँ और वहाँ भी जुटा हूँ। उसके बाद जब ये आश्रम शुरुआत हुआ तो मैं यहाँ शुरुआत किया। मैं डॉक्टर साहब की और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आश्रम में जोड़ा। और जब भी आता हूँ ये सोच के आता हूँ बस जाना है, प्रभु जी के साथ खाना है और खिलाना है, दोनों आस्था रखता हूँ। क्योंकि जो आनंद हमारे को, जो परेशानी हमारे को होती रहती है अपने लाइफ में, वो यहाँ आने से हमारी परेशानी सब दूर होती है और बहुत सगुन मिलता है। हमारा परिवार, दोनों पोते अभिमान दारुका, आहान दारुका, मेरा बेटा अश्वनी दारुका, ये लोग भी आते रहते हैं और प्रभु जी की सेवा करते हैं। तो ये एक तो अपनी सोच है, अपनी भावना है, और कोई बात नहीं है। आहान दारुका इधर आओ, आप कुछ बोलेंगे? बोलिए, आप कुछ बोलिए। ऐसी कोई बात दिक्कत, बिजनेस तो जिंदगी भर करना है, ये सेवा भाव तो कभी कभी मौका हमें मिलता तो आते ही हैं, ऐसे तो करते ही हैं। और समय निकाला जा सकता है, हर चीज का समय निकलता है। जब तकलीफ होती है लोगों को लाइफ में, भयंकर तकलीफ जो इसके लिए मैं बता नहीं सकता हूँ, तब लोग कैसे समय निकालते हैं? अगर उस समय उस तकलीफ को दूर करना है तो आप सेवा भाव में लगे रहिए इन लोगों का, प्रभु जी का, तो आपको कभी जिंदगी में समय का भी दिक्कत नहीं होगा, समय भी मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम शालू गोयल है। जिस दिन से इसकी नींव रखी गई थी उस दिन से ही मैं यहाँ सेवा में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें चुना गया है और आज मुझे यहाँ पे आते हुए कंटिन्यू में आती हूँ। हफ्ते में 4-5 दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ आऊँ। यहाँ आकर के जो दिल को सुकून मिलता है कुछ अलग ही है, उसके भाव में आपको बतला नहीं सकती। वो बहुत अच्छा यहाँ का एहसास होता है। जो प्रभु जी को देखते हैं वो असली सेवा होती है। एक्चुअली हम यहाँ पे उनको नहीं लेते जो रोड पर भीख मांगते हैं, हम उनको लेते हैं जिनका कोई नहीं होता। तो जिनका कोई नहीं होता उनका ये अपना घर होता है। यहाँ हम लोगों ने इनको अपना घर और प्रभु जी का किताब दिया हुआ है। इनसे कोशिश करते हैं कि इनका पूरा दिन पूरा शेड्यूल बिजी रहे, इसके लिए हम लोगों को एक्टिविटी कराते रहते हैं। जैसे कि ये कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ माला बनवाई जाए या फिर कुछ जो प्रभु जी ठीक हो जाते हैं वो हमारे किचन में हेल्प करते हैं, कुछ सफाई में हेल्प करते हैं। आजकल आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी राखी है जो प्रभु जी अपने हाथों से बना रहे हैं, और इन राखियों की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि आर्मी तक जाती है, सैनिक इनको बांधना पसंद करते हैं। आज
देखिए जन्मदिन तो इनका आज है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि सर हमेशा से सेवा देते आ रहे हैं। आज तो इनका आना बनता ही था क्योंकि जन्मदिन है, लेकिन समय समय पर रात भी सर हमारे साथ 8 बजे तक यहाँ पे रहे हैं। और इनको भी बड़ी मतलब अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते हैं ये आकर के, और प्रभु जी की कंटिन्यू सेवा करते हैं। और आज हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं भाई साहब को, ये दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें, हमारे ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहे, प्रभु जी की सेवा सदा ये ऐसे ही करते रहें। और बाबू जी बहुत अच्छे हैं, अगर अच्छे को हम अच्छे के सामने कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तारीफ पीछे से ही होती है, तब पता चलता है हमारे बाबू जी के ऊपर सर के ऊपर ठाकुर जी का हाथ है और इनका हाथ हम पर है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। अनाथ आश्रम नोएडा, नाम से ही जैसे अपनापन आता है वैसे ही ये उनका घर है, जो रोड साइड में पड़े रहते हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका अपनाने वाला कोई नहीं है, कीड़े पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं, सूचना मिलने पर हम उनको लेके आते हैं और उनकी पूरी उम्र सेवा करने की गारंटी लेते हैं। इनको प्रभु जी के नाम से बुलाते हैं और प्रभु समझ के ही इनकी पूजा करते हैं। जो ये तकलीफ भोग चुके हैं आगे उनको तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन आगे इनको दिक्कत ना हो, भूख कपड़ा रहना इनकी व्यवस्था हम इनकी करते हैं। और प्रभु जी की इच्छा से हमारी संस्था किसी से दान या सहयोग मांगती नहीं है, हम प्रभु के नाम चिट्ठी लिखते हैं और वो किसी न किसी माध्यम से हमारी शाम तक या एक दो दिन बाद पूरी हो जाती है। जितने भी हमारे 60 आश्रम अभी चल रहे हैं और सबकी यही व्यवस्था है, हम भगवान के नाम चिट्ठी लिखते हैं और हमारी पूरी हो जाती है। और जो हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो, जैसे आज नवल दारुका जी का जन्मदिन है तो यहीं आके मनाते हैं वो, और भी संस्था के जितने भी अधिकारी हैं या बच्चों का जन्मदिन यहाँ आके मनाते हैं प्रभु जी के साथ और बहुत खुश होते हैं, प्रभु जी भी खुश होते हैं और इनका अलग अनुभव होता है यहाँ जन्मदिन मनाने का।